अदर वैक्सीन। और यही नहीं, मुम्ब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुम्ब्रा के लिए हम कुछ अच्छा बनाए, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ विथ लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें, इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द एलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, अगेन एट अफोर्डेबल कॉस्ट। Thank you so much everyone and we are looking forward to serving you at Medfort Multispeciality Hospital. मैं हूं इमरान प्रताप गढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज FK। जेल के अंदर ही उनसे इन्वेस्टिगेशन ले लिया जाए, कर लिया जाए, पूछताछ कर लिया जाए, जेल से बाहर बिल्कुल ना निकाला जाए, उनकी जान का बहुत खतरा है। मैं मुख्यमंत्री जी से यही अपील करती हूँ कि उनकी साजिश की बात की है बाजी, कौन कर रहा है मेयर? इस वक्त जो मेयर है वो साजिश कर रही है जिससे हमारी भाभी जो है इलेक्शन किसी तरह फाइट ना कर पाए कि उनको बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। और आपने फुटेज जो देखा उसमें आपको लगता है कि असर हो सकता है? सर मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब है, मेरे भतीजे कई दिन से गायब थे, आप बात देखा है? मैंने क्या कहा, मैं किसी क्रिमिनल का सपोर्ट नहीं करता। अतीक अहमद ने कई मुसलमानों को भी मारा है। सुनिए, जो नहीं जानता है वो बोलेगा उसने कई लोगों की जमीन को हड़पा है ना, क्रिमिनल था, बिगेस्ट क्रिमिनल इलाहाबाद का। उसको कानूनी तौर से मारे होते कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो मारा है ना, ये सरासर चैलेंज करके मारा है। मारते वक्त जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे हिंदू भाई, तूने मार तो दिया, लेकिन जलील इंसान, हमारा देश का संविधान, हमारा देश कसाब जैसे जलील को है ना, जो हमारे बॉम्बे को नर्क बनाने आया था, कसाब जैसे जलील को भी है ना फांसी की सजा दिया 3-4 साल खाना खिला के। तू साले कौन से नेता के बहकाव में आके है ना ये हिंदू मुसलमान करवाना चाहता था? ये आतिक अहमद का ये मर्डर, ये हिंदू मुसलमान के दंगे की तरफ इशारा है। मैं मुसलमान रिलीजन पे नहीं बोलूंगा, ये एक मुसलमान को मार करके ये दंगा करवाना चाहते। वो गुंडा था, उसके बेटे ने एक बच्चे को मारा कि नहीं मारा? हूं मैं इसको एनकाउंटर किया ना, उसको सजा दिए ना काउंटर। लेकिन ये मुख्यमंत्री, ये जो करवाया है जो भी आदमी, ये मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। यूपी राष्ट्रपति कानून लागू होना चाहिए। मेरा निवेदन है नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश क्षेत्र में राष्ट्रपति कानून लागू करो। ये बहुत भयानक कानून लागू हुआ है, वहां पर न्यायालय बंद कर दो। योगी की सरकार में न्यायालय बंद कर दो, योगी की सरकार में सब बंद कर दो, बुलडोजर चला दो, एनकाउंटर कर दो, मार दो। ये कौन सा संविधान है यार, ये संविधान को ठुकरा दिया इसने, बंद करो ये। मैं जाऊंगा आगे तक का इंशाल्लाह, मैं इस पे भी ना याचिका दायर करूंगा, वो भी सुप्रीम कोर्ट में करूंगा। मेरे एडवोकेट से मैंने कल बात की है, क्योंकि सबसे पहले तो पार्लियामेंट के अंदर भड़काऊ भाषण हुआ है कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और उसको साबित कर दिया। तो प्री प्लान है ना 120 भी, एजुकेटेड है ना हम लोग भी, क्या अनपढ़ थोड़े है, पढ़े लिखे हम लोग, 120 भी बैठता है ना आपके ऊपर। उसके पहले असद मरा, 12 घंटे में आतिक अहमद को मार दिए, भरे रमजान में मार दिए। रमजान का तो सबर किए होते, एहतराम किए होते। एक बाप, भले वो क्रिमिनल है, एक बाप की चीत कब्रस्तान को दफन करके 12 घंटे नहीं हुए थे, वो गम हटा नहीं था। उनके घर पे एक और बड़ा सदमा, उनकी औरतों ने थोड़ी ना क्राइम किए, सदमा गया ना। क्रिमिनल से कोई मतलब नहीं है मुझे लेना देना। मेरा नाम नितिन पाटिल है और नदीम भाई और MD भाई, हम तो बहुत कम से कम 10-12 साल से एक साथ रहे, हम लोग कभी हिंदू मुस्लिम कभी किया,
उनके घर में रात को 12 बजे में खुद भाभी को बोला भाभी मुझे खाना दो, और वो भी मराठी में बोलते, वो भी मेरे मराठी से बात करते हैं। हमारे फैमिली तो कभी हिंदू मुस्लिम कभी नहीं हुआ, अभी तक कभी नहीं हुआ। आपको देख रहे हैं अल्तार पार्टी में मुझे उन्होंने बुलाया, मैं खुद आया उनके साथ बैठ के खाया। इसलिए हम हिंदू मुस्लिम कभी करते नहीं, जो कर रहे बहुत गलत कर रहे हैं। जो हिंदू मुस्लिम एक है उनको एक ही रहने दो, अलग अलग मत करो। जो है पहले जो था, पहले हिंदू मुस्लिम तो कुछ भी नहीं था, घर में एक साथ बैठे एक प्लेट में खाना खाते थे। तो अभी क्यों, अभी क्यों? ये जो राजनेता अपने खुद वोटर बैंक के लिए धर्म के नाम पे कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। बस मैं इतना ही बोल रहा हूँ। मैं आप भी इफ्तार पार्टी में आए, इस तरह से यहाँ का माहौल और ये जो आता जे चाललंय त्यांनी मला एकता पार्टीमध्ये जे बोलवलं, मी यांचं खूप म्हणजे आभारी आहे। आणि जे आता एकता पार्टीमध्ये जे आम्ही आलो ही एकी दाखवत आहे, समाजासाठी संदेश आहे। जो आत्ताचा जो अत्याचार चालला आहे दलित मुस्लिम या लोकांवरती, जास्त करून जो सरकार आहे, जे आता मोदी सरकार आहे किंवा योगी जी सरकार आहे, हे जास्त करून टार्गेट दलित लोकांना मुस्लिम लोकांना करत आहे, मग ते कशासाठी? माझं म्हणणं आहे की कशासाठी चाललंय? जे तुम्ही आता लोकांना बेरोजगारी आहे, लोकांपाशी रोजगार नाहीये, लोकांना नोकऱ्या नाहीये, महागाई वाढली, लोकांच्या घरी अन्न खायला नाही, आणि तुम्ही आता त्यांच्यावरती जे राजकारण तुमचं जे चाललंय ते लोकांना भडकवण्याचं काम आहे, दंगली करण्याचं काम आहे। तुम्ही आता हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र बोलताय, काय हिंदू राष्ट्र आहे मला सांगा? हिंदू राष्ट्रामध्ये जे तुम्ही सगळेच हिंदू आहेत असं नाही की हिंदू कोणी नाहीये, पण जे तुम्ही हिंदू राष्ट्र करताय त्याच्यासाठी तुम्ही लोकांच्या भविष्याची का खेळताय? जे शिक्षणासाठी आज दलितांच्या मुलांना, मुस्लिमांच्या मुलांना शिक्षणासाठी सुद्धा संघर्ष करावा लागतोय, रोजगारासाठी संघर्ष करतो, हे कुठे थांबणार आहे? आता जे सरकार आहे ते आम्हाला हे सरकार नकोय। आणि 2024 मध्ये जर हिंदू मुस्लिम आम्ही एकत्र आहोत असं नाहीये की आम्ही त्यांच्या पाठीशी नाही। आणि दलित समाज, आमचा जो दलित समाज आहे तो हिंदू मुसलमान लोकांना एकत्र घेऊन चालणार आहोत, आम्ही एकीने चालणार आहोत। आणि येणाऱ्या 2024 ला आम्ही दाखवून देऊ की आमची एकता जे काय आहे ते। आता उत्तर प्रदेशची जी सरकार आहे ते खूप म्हणजे जे आता जे संविधान आहे, बाबासाहेबांनी संविधान लोकांसाठी लिहिलेलं होतं। पोलिसांचं कर्तव्य आहे की तुम्ही दहशत, पोलीस दहशत आता लोकांवरती करतात। अरे तुम्ही भले सरकारी नोकरी आहात, सरकारात जागा आहे, पण तुम्ही लोकांचे संरक्षण करण्यासाठी आहात ना की तुम्ही सरकारचे तळे चाटण्यासाठी आहात? तुम्ही सरकारचे तळे चाटता म्हणून आज लोकांवरती परिस्थिती येते। जर सरकारने जर तुम्हाला सरकारी वर्दी दिलेली आहे तर लोकांच्या भविष्याशी खेळू नका, लोकांचं संरक्षण करा ना की आता हे फक्त 5 वर्षासाठी किंवा 10 वर्षासाठी पुढची व्यवस्था येते, नंतर काय करचाल? या पब्लिकनी, या पब्लिकची जर तुम्ही सुरक्षा नाही केली तर या पोलीस लोकांना पण। आणि आताची जी सरकार आहे, सरकार हे पोलीस लोकांवरती दबाव आणते। मी पोलीस लोकांना, प्रत्येक पोलीस लोकांना दोष देत नाहीये, कारण त्यात इमानदार पण पोलीस लोक असतात काय का? हेच तर कुठेतरी चुकीचं आहे ना। सरकार कुणीतरी पोलिसांवरती दबाव आणतंय का की पोलीस कोणा ऐकतंय का? जर पोलिसांच्या समोर जर इन्क्वायरी झालं तर पोलीस वाले का नाही काय करत, का काय करू शकले नाही? म्हणजे तुमच्यावरती या योगी सरकारचा, मोदी सरकारचा दबाव असेल असं मला वाटतंय। माझ्या चॅनल को लाईक करे, सबस्क्राईब करे, बेल आयकॉन दबाना ना भूले।